मई को शपथ समारोह के बाद विदेशी मेहमानों के साथ नरेंद्र मोदी का डिनर रद्द हो गया है। सूत्रों से खबर है कि अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस डिनर को होस्ट करेंगे। हमारे साथ यतेंद्र शर्मा लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, डिनर रद्द करने के पीछे वजह क्या है और क्या ये माना जाए कि अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ही इस डिनर को होस्ट करेंगे, इस कारण से ये फैसला लिया गया? नरेंद्र मोदी ने फैसला किया था कि जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स हैं, जो उनके मेहमान हैं, उनके लिए अलग से हैदराबाद हाउस में डिनर का आयोजन किया जाएगा और मोदी उनसे वहां पर बातचीत कर सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भवन की तरफ से कल देर शाम को ये अनुरोध किया गया, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम पूरी तरह से राष्ट्रपति भवन की तरफ से आयोजित हो रहा है। उसमें कई जो सार्क देश हैं उनके राष्ट्रपति भी आ रहे हैं और परंपरा राष्ट्रपति भवन की तरफ से यही है कि जब राष्ट्रपति भवन कोई कार्यक्रम आयोजित करता है और दूसरे देशों के राष्ट्रपति आते हैं तो उनको होस्ट करने का काम, उनके लिए डिनर जो आयोजित होता है वो राष्ट्रपति भवन की तरफ से होता है। ये नरेंद्र मोदी से गुजारिश की गई थी कि जो परंपरा चली आ रही है उस नाते राष्ट्रपति भवन को ये डिनर आयोजित किया जाना चाहिए। इसको मोदी ने भी मान लिया है और उस प्रोग्राम को जो हैदराबाद हाउस में जो डिनर होने वाला था, जो डिनर डिप्लोमेसी होने वाली थी, वो कैंसिल कर दी गई है। अब पूरा कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन की तरफ से ही आयोजित किया जाएगा। जी बिल्कुल, 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा 26 मई को और उसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से डिनर होस्ट किया जाएगा। अब तक की बड़ी खबर है। उधर